कौन ऐसा दल है जिसको प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर न मिला? और कई कई बार जनता ने अवसर दिया। अगर आप अपने कारनामों से जनता आपको ठुकरा रही है तो इसके लिए अपने कारनामों को दोषी ठहराइए, उत्तर प्रदेश की जनता को मत दोषी ठहराइए। और महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात को हुआ, आश्चर्य तो मुझे इस बात के लिए हुआ कि उत्तर प्रदेश जिन जिन उपलब्धियों में नंबर एक पर है, जिन बातों में पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नंबर एक स्थान प्राप्त किया, उन उपलब्धियों के बारे में हर उत्तर प्रदेशवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी हो, हर एक को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम सबको गौरव होना चाहिए। लेकिन हम कहें साहब ये तो गलत है, हम ये कहें कि साहब नहीं, उत्तर प्रदेश तो अभी जो है 50वें स्थान पर है, तो 50 तो राज्य ही नहीं यूपी में अंदर, आश्चर्य होता है ना। यानी उन्हें ये दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो अभी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, ये बोलने में गौरव की अनुभूति होती है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मनसाओं को उजागर करता है। क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए, और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है, तो उनको बुरा लगता है सब, ये सब बुरा लगता है। और फिर उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती है, तमाम प्रकार की बातें फिर शुरू होती है। होना तो चाहिए कि हर सदस्य को, हर माननीय सदस्य को, वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसको उत्तर प्रदेश के गौरव पर, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कमोबेश डबल इंजन सरकार ने ज्यादा एग्रेसिव तरीके से उसे आगे बढ़ाया है, श्रेय उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है कि किसी ना किसी सरकार ने भी कुछ नियम रखने में कुछ तो योगदान किया होगा पिछली सरकारों ने भी, तो उसी के साथ अपना नाम भी जोड़ देना। तो देखो हमने भी किया, जैसे हर चीज के लिए बोलते हैं वो तो हम भी करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए, लेकिन चलो जोड़ दो भाई, वो तो उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में नंबर एक पर है, तो हमने भी योगदान देने का प्रयास किया था, हमने भी किया था। उस समय हम डाटा नहीं फिट कर पाए और भी नहीं कर पाए, हमें बोल देने के बोलते हैं ना, बोले कम से कम ये तो ना बोले नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, आप तो अन्नदाता किसानों को परेशान और आपको अपमान कर रहे हैं, यूपी के नौजवानों के बारे में हम कहते हैं यूपी में सबसे अच्छा युवा है, स्किल मैन पावर हमारे पास है, नहीं 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 ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में तो सब विश्वविद्यालय खराब है। अब ये आप क्या साबित करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना था, क्या उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया? इसलिए 6 वर्ष के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं देखने को मिला, लेकिन स्वीकार करने का कि हिम्मत नहीं है और उन योजनाओं के बारे में उसको नकारने की एक जो आदत है, उस नकारने की इस आदत ने आज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को किस स्थिति में पहुंचाया है, महोदय ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम इस बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज जिन योजनाओं में नंबर एक पर है, खाद्यान्न उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर एक पर है। और मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार कृपा का राज्य है, अपार कृपा का राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 11% भूमि हमारे पास है, लेकिन उत्पादन हम करते हैं इसमें 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं उत्तर प्रदेश की उपलब्धि। आज यहां पर खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं है, आलू है, मटर है,
आम है, आंवला है, दुग्ध उत्पादन है, उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। महोदय, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देने में 1,74,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, इसको उत्तर प्रदेश में इतने लोगों लोग इससे यानी देश के अंदर नंबर एक पर। एक्सप्रेसवे में नंबर एक पर। प्रदेश के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने में नंबर एक। अटल पेंशन योजना नंबर एक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नंबर एक। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 96,00,000 यूनिट यूपी के अंदर है, जो परंपरागत उद्यम है, यूपी के औद्योगिक विकास की आधारशिला है, इसमें नंबर एक। कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का नंबर एक राज्य है। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज निर्माण करने वाला राज्य है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण की तरफ अग्रसर हुआ है, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। हर गरीब के घर में शौचालय भी बने, सर्वाधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए, उसमें भी नंबर एक। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। गवर्नमेंट ई मार्केट से सबसे अधिक प्रोक्यूरमेंट करने वाला राज्य और पहला राज्य भी। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में महोदय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 52,77,000 गरीबों को एक एक आवास मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, देश के अंदर नंबर एक। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का पहल नंबर एक का राज्य। और महोदय, ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में देश के अंदर नंबर एक का राज्य। दुग्ध उत्पादन में नंबर एक राज्य। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, 8,51,00,000 खाता धारक है, यानी 8,51,00,000 ये खाता धारक हुए हैं जिनके बैंक में कभी अकाउंट नहीं खुल पाए थे। यह डबल इंजन सरकार आने के बाद ही उन बेचारों के अकाउंट खुल पाए और डीबीटी के माध्यम से पूरा 70% पैसा उनके पास पहुंचा। स्वामित्व योजना, गांव में जिसका घर जहां पर, जिनका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय, ऐसे 50,37,000 से अधिक घरोनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। 50,00,000 से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे क्या? उत्तर प्रदेश का वासी था। हर जाति, हर मत, हर मजहब का यही तो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास, यही है। लेकिन इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसके बारे में लोग नकारी दें, कहे नहीं साहब यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी को पूरी तरह नकार दिया जाए, यूपी को आज भी हम वही आज से 7-10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर हम क्या, हम यूपी के हितैषी हैं क्या, उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या? और इसलिए मुझे महोदय एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने बात कही थी
कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा, उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती, आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करूंगा। महोदय, वास्तव में नेता विरोधी दल थोड़ा गुस्सा कम कर लेना तो प्रदेश को तो एकजुट नहीं कर पाए लेकिन परिवार को एकजुट कर पाएंगे। और मुझे आ रहा हूं उस पे जा रहे। महोदय, सेक्रेटरी परमानेंट बनवा लें, अभी बताएंगे। हाँ, आ रहे हैं, आप चिंता मत करें, आराम से थोड़ा सुन लीजिए, बहुत ठहर से सुन। महोदय, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अब देखिए एक विडंबना देखिए आप, उत्तर प्रदेश जिन चीजों से निकला है, जब हम उससे उभारने का प्रयास करते हैं, पूरी टीम यूपी जब उसके साथ जुड़ती है, एक साथ लगकर के काम करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैं तो कहता हूं हमारी टीम काम कर रही है, एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क का एक लघु उदाहरण अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला। हमारे मंत्री समूह गए, दुनिया के 16 देशों में गए, 21 सिटी को कवर किया, हर वरिष्ठ मंत्री गया था। हमारी दूसरे मंत्रियों की एक टीम देश के 8 शहरों में भी गया, रोड शो किया, और हमारा हर सांसद विधायक अपने अपने जनपदों की रोड शो में जाकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने जन्म दिया। यह है टीम वर्क। तब उत्तर प्रदेश में निवेश का एक भारी भरकम प्रस्ताव आया। परसेप्शन यूपी का खराब किसने किया था? जिन लोगों ने बांटा था जाति के नाम पे, मत और मजहब के नाम पे, तमाम वादों के आधार पर समाज को बांटा था। हम प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शौचालय मिलेगा सबको मिलेगा, हर गरीब हर जरूरतमंद को मिलेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता है, उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, और उसको शासन में रोजगार में कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए। हम इस बात की बात करते हैं, हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। और महोदय, जाति के नाम पर फिर उन्होंने क्या किया है, मुझे दूर मत करिए, ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी का माया जाल
86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। ये है राजभर जी, देखिए एक कमाल, एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं, ये देखो 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं, यही है इनका न्याय, सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। महोदय अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए। फ्लोर में, फ्लोर फ्लोर ऑफ हाउस के सदन के फ्लोर पे हम इसको टेबल करेंगे। टेबल अध्यक्ष महोदय, वो टेबल हो गया ना, आपने जो बात टेबल नहीं चाहिए मुझे, मैं सूची चाहता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, वो तो मुख्यमंत्री ने कहा टेबल की जानकारी में आ जाए। महोदय अध्यक्ष महोदय ये सच्चाई है, सेलेक्ट और उनकी सूची मुख्यमंत्री समय के बोला तो उनका समय के युवाओं के साथ क्या भेदभाव होता था, कौन सा ऐसा आयोग था, दिन सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, पुलिस की भर्ती और कौन कौन सी भर्ती होती थी उस समय क्या होता था, किसी से छुपावा नहीं है। हाँ उसी में लेखपाल दिन सेवा चयन आयोग में ये सब होता, सब होता था जी, उस समय हो जाता था। और सचमुच महोदय उस समय की जो स्थिति थी उस समय, तब फिर मुझे बहुत यानी उत्तर प्रदेश की जनता के पुरुषार्थ पर मुझे वास्तव में गौरव की अनुभूति होती है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2014, 2017, 2019, 2022 में बार 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 जनादेश देकर के साथ, आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या होता है, इसलिए कह रहे हो दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा देखिए थोड़ा। मैं तो बात उसके साथ बता रहा हूँ आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूँ, मैं उसका एहसास करा रहा हूँ कि बार बार देखिए संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है जनता का जनादेश, और दूसरा पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है दूसरा देश और दुनिया का विश्वास। ये जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, जनादेश के अलावा ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण हो सकता है। और आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट, दिल्ली में और मुंबई में, तो पूछा जाता था वहां क्यों कर रहे हैं, कहा साहब यूपी में कौन आएगा, तो जो व्यक्ति मुझे एक बात बताओ जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आना चाहता है, तो क्या वे निवेश करने के लिए आएंगे। ये लोग यही करते थे और यही करते थे, और इसलिए महोदय दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इसके लिए, और उन्होंने कहा था मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई, यानी इनको यूपी की उपलब्धियों पे गौरव नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी चिंता नहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़े इसकी चिंता नहीं, हर खेत में पानी जाए इसकी चिंता नहीं, बस अवसर मिले
तो एक नया महाभारत रचाने की तैयारी हो जाती है। और यही तो इन्होंने किया है यहां पे यूपी के अंदर, तो यही सब कर रहे थे महोदय। अभी आ रहे हैं, उसके जा रहे हैं, आएंगे आएंगे, चिंता मत करें महोदय। आ रहे हैं। सुन लो, देखिए ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा देर से बोलेंगे तबियत खराब हो जाएगी, क्या फायदा है। अरे शांति रहिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा तो बोलेंगे। महोदय क्या विचित्र सी स्थिति है, क्या विचित्र सी स्थिति है, कैसे लोग भरमाने का काम करते हैं, कैसा भरमाने का काम करते हैं। हम भी चाहते हैं हर गरीब तक, हर दलित तक, हर पिछड़े तक, हर वंचित तक शासन की योजनाओं का लाभ जाए। मैं हूं, मेरे कैबिनेट के तमाम मेरे साथी हैं, हमारे सहयोगी दलों के हमारे यहां पे नेता हैं, सभी माननीय हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं। पीएम आवास योजना 52,77,000 गरीबों को मिला, हमने कोई पिक एंड चूज नहीं किया। उत्तर प्रदेश का ही गरीब है। इस सूची कब की बनी है, 2011-12 की, और उस सूची के अनुसार ये आवास मिल रहे हैं। उस सब के बावजूद जो गरीब बचे हुए हैं, जो सूची से वंचित हुए थे, जिन लोगों की उस समय सरकार थी, उन लोगों ने जो भेदभाव किया था, उनके लिए हमने सीएम आवास योजना चलाई, मुख्यमंत्री आवास योजना। मुसहर, बनटांगिया, कोल, सहरिया, थारू, चेरो, और इस बार हम बुक्सा को भी इसमें जोड़ रहे हैं, बिजनौर में। संभवतः हमारे नेता विरोधी दल को सब जातियों के नाम पता नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो एक ही जाति का नाम याद है, सब इसलिए उनको पता ही नहीं होगा कि ये भी कुछ है यूपी के अंदर। महोदय वंचित थे, वंचित थे लोग। मार्च 2017 में मैंने यहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और जनवरी में और दिसंबर में मैं यहां पर प्रदेश के अंदर दिसंबर 16 और जनवरी 17 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी मैं उन गरीबों के बीच जाता था जो गरीब खाद्यान्न से वंचित किए गए थे। कुशीनगर जिला उसका एक उदाहरण है, सोनभद्र जिला है, चित्रकूट है, भूख से मौतें होती थी। और मैं कह सकता हूं आज महोदय, आज मैं कह सकता हूं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी आई। हर महामारी के साथ एक दूसरी महामारी साथ में चलती थी, कि महामारी अगर ठीक भी हो जाती थी तो भूख से बड़ी संख्या में मौतें होती थी। पहली बार हुआ है, हमने देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे अच्छा परिणाम इस महामारी के अंदर को दिया ही, मृत्यु दर सबसे कम। लेकिन मैं कह सकता हूं कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन पहले भूख से मौतें होती थी, 17 के पहले भूख से मौत होती थी, ये सच्चाई थी, लेकिन ये स्वीकार करने को तैयार।